मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में नाकाबंदी तोड़कर भागने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुई कार से मंदसौर जिले की नाहरगढ़ पुलिस ने 23 पेटी शराब जब्त की है। नाहरगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं जानकारी के अनुसार मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना पुलिस ने एक कार को रोकने की कोशिश की तो कार चालक तेज गति से वाहन भगा ले गया, पीछा कर उसे पकड़ा गया। इस दौरान कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार की तलाशी में 23 पेटी अवैध शराब मिली। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस द्वारा बताया गया है कि सूचना पर बिशनिया और डिगांव के बीच जलारा फंटा पर दबिश दी गई। इस दौरान रूपनी तरफ से हुंडई कार MP14CC7498 को रोकने का प्रयास किया गया। चालक कार को तेज भगा कर ले गया। इसके बाद पुलिस ने पीछा किया। थोड़ा आगे जाकर कार का बैलेंस बिगड़ गया व रोड किनारे पेड़ से टकराकर कार पलटी खा गई। कार चालक कार में फंस गया जिसे बाहर निकाला गया। पूछताछ में चालक ने अपना नाम जयपाल सिंह, पिता जसवंत सिंह राजपूत, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम बाजखेड़ा थाना नाहरगढ़ बताया। वहीं कार की तलाशी ली गई। कार से 3 पेटी देशी प्लेन शराब व 20 पेटी देशी मसाला शराब, कुल 23 पेटी में 207 बल्क लीटर देशी प्लेन व मसाला शराब मिली। आरोपी जयपाल सिंह को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर SDOP कीर्ति बघेल ने क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं। थाना नाहरगढ़ पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक अवैध शराब से संबंधित हुंडई कार जाने वाली है। इस संबंध में झलारा फंटे पर नाकाबंदी करके गाड़ी को रोका गया और इससे लगभग 23 पेटी शराब जब्त की गई जिसकी कीमत 1,12,000 रुपये है और गाड़ी की कीमत लगभग 7 लाख रुपये के करीब है। इसमें वर्तमान में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, अन्य आरोपी की तलाश जारी है। आरोपी जो है जयपाल सिंह, पिता जसवंत सिंह। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट।